व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इट्स आता। और क्या हाल है तुम सबके? होप तुम सब बढ़िया होंगे। सो आज मैं लेके आया हूँ न्यू सीरीज जिसमें मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप ये नहीं जानते क्या चीज है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये एनिमे 11 जुलाई 2020 में शुरू हुआ था जिसमें 12 एपिसोड और इसका सीजन 2 अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो पहले जाके उसे देख लो, फिर उसके बाद ये वीडियो देख। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं काजुआ को बहुत पछतावा होता है क्योंकि अब मिजुहारा रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब छोड़ देगी। वो सोचता है मिजुहारा ने रेंटल गर्लफ्रेंड का काम बहुत कर लिया, अब मुझे उस पैसे बहुत उतार देना चाहिए। वो सोचता है कि वो अपनी दादी को सब सच बता देगा पर वो उन्हें नहीं बता पाता। वो सोचता है जब मिजुहारा जॉब छोड़ देगी मैं उन्हें तब बता दूंगा, अभी तो काफी टाइम है। वैसे याद आया मिजुहारा का स्टेज प्ले कब था? तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मिजुहारा कहती है एक फेमस डायरेक्टर है जो अपनी कास्ट के लिए एक एक्टर ढूंढ रहा है, अगर मैंने उनका ध्यान खींचा तो मुझे वो रोल मिल सकता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं और काजुया टोक्यो थिएटर में जाता है, शायद यहाँ मिजुहारा की परफॉर्मेंस है। काजुया थिएटर में जाता है जहाँ पहले से ही सुमी बैठी हुई है लेकिन वो दोनों मिलते नहीं। आगे शो शुरू होता है और मिजुहारा को थोड़ी देर बाद दिखाते हैं, वो एक निंजा का रोल प्ले कर रही है और सबको मिजुहारा बहुत पसंद आता है। प्ले खत्म होने के बाद सब घर जाने लगते हैं पर सुमी काजुया से मिलने जाती है और वो वापस आ जाती है। काजुया अपनी सीट से हिलता भी नहीं है। आगे दिखाते हैं मिजुहारा के साथ काम करने वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। आगे वो कहते हैं पार्टी में तो आ रही हो ना मिजुहारा, तो फिर वहीं मिलेंगे, बाय। मिजुहारा उन्हें बाय कह के जा ही रही होती है लेकिन वो किसी की आवाज सुनती है। उनके पास जाती है तो वो देखती है शो की मेन हीरोइन और वो डायरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पे दो लड़की आपस में बात कर रही होती है। वो कहती है लगता है डील हो गई। बेशक वो उसे ग्रेड स्कूल से जानते हैं और ऊपर से वो स्पॉन्सर की भतीजी भी है, किसी का तो कोई चांस था ही नहीं। आसान भाषा में मैं समझाऊं तो जिस रोल के लिए मिजुहारा गई थी अब वो उसे नहीं मिला। मिजुहारा याद करती है कि उसने कितनी मेहनत की थी जो सारी बेकार हो गई। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि मिजुहारा घर जा रही है लेकिन उमे जो उसके साथ एक्टिंग स्कूल में था वो उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम पार्टी में नहीं आ रही क्या? मिजुहारा मना कर देती है और वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काजुया भी घर जा रहा होता है और वो सोचता है अब मिजुहारा रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब छोड़ देगी पर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी एक्टिंग बढ़िया थी वो उसे डिजर्व करती है, वो उस वक्त किसी शो की स्टार की तरह थी। तभी मिजुहारा और काजुया आपस में टकरा जाते हैं और काजुया से उस शो की पैम्पलेट गिर जाती है जिसे मिजुहारा देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि काजुया भी शो देखने आया था और काजुया मिजुहारा की तारीफ करने लगता है। वो कहता है तुम्हारी एक्टिंग कमाल की थी, सबको पसंद आई। मिजुहारा उसको थैंक यू बोलती है। आगे काजुया कहता है अब तुम मुझसे आजाद होकर अपने करियर पर फोकस कर सकती हो। ये सुनकर मिजुहारा पूछती है तुम ये क्या कह रहे हो? इसके जवाब में काजुया कहता है तुम अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब छोड़ने वाली हो है ना, तुमने कहा था अगर तुमने प्ले से डायरेक्टर का ध्यान खींच लिया। तभी मिजुहारा कहती है ओ वो मैं वो नहीं कर पाई, एक दूसरे एक्ट्रेस को रोल मिल गया। वो आगे कहती है मुझमें इतना टैलेंट नहीं है इसलिए मुझे वो रोल नहीं मिला। ये सुनकर काजुया मन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे कहीं अंदर से ये सुनकर अच्छा लग रहा है पर मैं उसके अंदर वो दर्द महसूस कर सकता हूँ। दिल से जरूर वो बहुत उदास होगी और वो खुद को बहलाने की कोशिश कर रही है उसके मुकाबले मैं तो। तभी मिजुहारा कहती है शायद मैं भी तुम्हारे जैसी ही हूँ, मैं बस तुम्हें अच्छे अच्छे भाषण देकर कब हार माननी है ये समझाती रहती हूँ पर असल में मुझे ही नहीं पता कि कब हार माननी है, पर ये एक सपना है जो मुझ कम टैलेंट वाली लड़की से कभी पूरा नहीं होगा। तभी काजुया चिल्लाता है और कहता है ऐसा नहीं है, तुम और मैं एक जैसे नहीं है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते रेंट पे लूंगा और फिर उसके अगले हफ्ते और फिर उसके अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते भी लूंगा। तभी मिजुहारा कहती है तुम्हें पता भी है इसमें कितना पैसा जाएगा? इस उनके काजुया कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसे कमाने के लिए काम कर लूंगा और फिर तुम्हें रेंट पर लूंगा, मैं तुम्हें अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। यह सुनकर मिजुहारा उससे कहती है हे रुको, ये पागलों जैसी बात करना बंद करो। तभी काजुया उससे कहता है तुम खुद पागल जैसी बात कर रही हो, तुम हर दिन खूब मेहनत से काम करती हो और तुम एक किराए के अपार्टमेंट में रह के एक्टिंग स्कूल भी जाती हो, साथ ही तुम रेंटल गर्लफ्रेंड का काम भी करके अपने बिल्स भरती हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हो ही नहीं सकता तुम में टैलेंट ना हो, तुमने आज बहुत बढ़िया किया, स्टेज पर तुम सबसे बेस्ट एक्टर, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता पर तुम्हें रेंट पर लेके उसके पैसे जरूर दे सकता, अगर ऐसे तुम्हारे सपने पूरे होने में मदद मिलेगी मैं काम करूंगा, इसलिए हार मानने की बात मत करो। ये सुनकर मिजुहारा काजुया के पैर पर मार के चली जाती। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं मिजुहारा अपने घर पे आ गई है, वो अपनी स्क्रिप्ट को देख के रोने लगती है लेकिन तभी उस पर बहुत सारे रेंट के मैसेज आने लगे, सारे काजुया करता है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और एक न्यू सीरीज आने वाली तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।